मैंने ये वाला धनिया, ग्रीन लीफ, फाइनली इतनी रात को हम लोग चल पड़े हैं बिकॉज डॉक्टर्स जो हैं वो रात को ही बैठते हैं, तो एना को आज लगने वाली है ब्रेक, है ना एना? क्यों नोई नोई, कहाँ हो गया? चलो आगे हो जो जा रहे हैं अब घर। हम गए थे गांधीनगर में, कुछ खाना पीना था तो हमने खा लिया और बस अब फाइनली बच्चों को लेके मैं जा। तो मैंने कल दिए थे सिंघाड़े, तो मैं सोच रही हूँ आज वो मैं बनाती हूँ। सो अब मैं बनाने लगी हूँ वो। सो सबसे पहले मैंने डाला तेल। सो फर्स्ट स्टेप, आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, देन उसके बाद बाकी मसाले वगैरह इसमें डालने हैं। ये अभी फ्राई हो रहा है हल्का हल्का, अभी अच्छे से ये कुक नहीं हुआ है प्रॉपरली जितना होना चाहिए। हाँ जी, है ना, बहुत तंग कर रही है मुझे। अब ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो अब इसमें मैं थोड़ा सा ये मिक्स मसाला जो है वो डाल दूंगी, जीरा एंड धनिया वगैरह, और बस गैस की फ्लेम मैं बंद कर दूंगी। और अभी इसमें मैं डालूंगी ये मिर्ची पाउडर एंड इसको अच्छे से मिला लेंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो ऑयल अकॉर्डिंगली देख लेना आप, ऑयल इतना नहीं डालना चाहिए। मैं तो प्रेफर नहीं करती इतना ज़्यादा ऑयल, बट पड़ गया मेरे से। ये मैंने अभी डाला लेमन, तो लेमन डाल के भी थोड़ा सा और मैं कुक कर लूँगी। फिर से मैंने गैस जो है वो ऑन कर ली है और सॉल्ट मैंने पहले थोड़ा सा डाला था, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। और बस अभी अच्छे से कुक हो जाएगा। मैंने ये वाला धनिया, ग्रीन लीव्स जो है धनिया की, ये डाल दी, अच्छे से कुक हो जाएगा और बस इसको खा लेना है। दिस इज माई ब्रेकफास्ट एंड एनाज ब्रेकफास्ट गाइज, सो वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? हम भी सभी ठीक है और होप करती हूँ आप भी सभी ठीक होंगे। सो गाइज, व्लॉग स्टार्ट होने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो गाइज। गाइज एना बोलना, बोलो सब्सक्राइब करो मामा का चैनल। अभी लगाऊंगी, टीवी भी लगाऊंगी। एना इशारा करिए कि टीवी लगा दो, अभी लगाऊंगी, पहले आप खाना खा लो। सो ये मैंने सिंघाड़ा जो मैंने कल लिया था वो मैंने बनाया है, बहुत अच्छा बनाया, टेस्टी टेस्टी। और ये जो आरू के लिए मैंने एक उसको रोल देती हूँ, पोटैटो रोल बना के, ये वो है एंड वन स्लाइस ऑफ ब्रेड विथ टी। सो अभी ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। सो गाइस मिलते हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद। फाइनली वी आर गोइंग, है ना, बाय कर दो सबको, बाय कर दो से, बाय टू एवरी वन, बोलो आई एम गोइंग। क्या कर रहे हो आप, ये कर क्या रहे हो, ये क्या कर रहे हो, किसी कर रहे हो अपने आप को? चलो चलो बाय कर दो सबको, सबको बाय कर दो, बोलो टेक केयर, आई एम कमिंग होम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बाय कर दो सबको, बाय, से बाय टू एवरी वन। ओके, फ्लाइंग किस भी साथ में, चलो 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 बाय। वी आर गोइंग नाउ, है ना, बाय कर दो। जब भी हम कुछ बोलते हैं ना करने के लिए, वो कभी भी नहीं करते हैं, करती है कि हाँ स्पॉन्टेनियसली कुछ भी बोलेगी, जब स्पेशली बोलो करने के लिए कभी नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों का यही हाल है। और आप जैसे देख सकते हो कि मैंने आज बाल बंद किए हुए हैं, सो रीज़न यही है बाल बंद करने का कि मेरे बालों को कल लगाया था ऑयल, जिसकी वजह से मेरे बाल हो गए बहुत सारे ऑयली ऑयली, वॉश भी किए थे फिर भी ऑयल नहीं निकला है। तो आज मैं जाके सैलून जाके हेड वॉश कराऊंगी।
सो अभी जा रहे हैं हम। चलो चलो साइड हो जाओ, मम्मा को बैठने दो। सो फाइनली अभी मैं पहुंच गई कॉलेज और कॉलेज में क्लास ले रही हूँ। तो आज थोड़ा आगे से मैंने शूट किया था डिफरेंटली तरीके से, और यहाँ अभी मैं जा रही हूँ घर। छुट्टी हो गई है तो जैसे कि आपको पता ही है कि ज़्यादा पोर्शन में शूट नहीं करती हूँ कॉलेज का। जा रही हूँ घर, हमें हो गई है छुट्टी। एंड गाइस मैं अभी निकली हूँ जस्ट कॉलेज से, क्लास वगैरह मेरी हो गई। नो आज धूप इतनी ज़्यादा अच्छी है, मन कर रहा है आज धूप में बैठा जाए, धूप के मज़े लिए जाए, विटामिन डी वगैरह हम लें आज। बट कहाँ बैठा जाता है, इतना टाइम ही नहीं होता है। बस यही है कि आते जाते ही हमें धूप के नज़ारे मिलते हैं। तो आज मेरे बाल लग रहे हैं चप्पू चप्पू टाइप, वो भी इस वजह से, ऑयलिंग की वजह से। तो ऑयलिंग भी गुड होती है, अच्छी होती है, ऑयलिंग करनी चाहिए हेयर्स को। सो स्कैल्प इतना ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है विंटर्स में, तो विंटर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। hey गाइस, तो मैं जस्ट अभी पहुँची हूँ सैलून में, और अभी जो है ये मेरे चिप्पू चिप्पू जिससे जो हेयर्स हैं इनको मैं सबसे पहले वॉश कराऊँगी। जा रही हूँ मैं घर फाइनली यहाँ से होके। एंड गाइस अभी मैं निकली हूँ सैलून से, और अभी जाना है मुझे एना की वैक्सीनेशन के लिए। सो बस बच्चे रेडी हो गए हैं, तो मैंने बुला लिया यहाँ पे उनको बाहर ही मम्मी के, तो बस उनको पिकअप करना है अब मैंने। देखते हैं अभी तक आए हैं वो कि नहीं, यहाँ पे है तो नहीं, बच्चा पार्टी खेल रही है यहाँ पे किसी की। So, आगे से मैं गाड़ी को मोड़ ही लेती हूँ, थोड़ी टर्न कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आते हैं वो कि नहीं। स्टिल मैं अभी तक उनका वेट कर रही हूँ, अभी तक पहुंचे नहीं है बच्चा बाटी। मम्मा को फोन किया था, बोलते वो निकल गए हैं, बस आने वाले हैं। और पहुंच गए। चलो जी आओ जल्दी। मम्मी ये मुकेश को बोलो पीछे रखे, नहीं आया। रखो फिर आप डिक्की में रखोगे। आप बैग लेके कहाँ चल रहे हो बाबा? हाँ वेयर आर यू गोइंग विद योर बैग, ओपन इट। क्या मिली बच्चे को? मेरी एनू को क्या हो गया? क्यों नोई नोई क्या हो गया? चलो आगे हो जाओ। फाइनली इतनी रात को हम लोग चल पड़े हैं, बिकॉज डॉक्टर्स जो हैं वो रात को ही बैठते हैं। तो एना को आज लगने वाली है ब्रिक, है ना एना? एना नोई नोई करेगी नोई नोई। जो है अभी गाने गा रहा है, आई थिंक पोइम बोल रहा है। बोलो बेबी फिंगर वेयर आर यू? आरू से हेयर आई एम, हेयर आई एम। बोलो एना भी गा रही है। सो अभी हम पहुंच गए हैं डॉक्टर के पास, यहाँ वेटिंग में है, वेट कर रहे हैं। जब हमारी टर्न आएगी तब इंजेक्शन लग जाएगा एना को। एना को भी इंजेक्शन लगा लिया हुआ है, एना आगे लेके गए हैं। मम्मी उसको बहुत रो रही थी, तो मैंने अंदर पेमेंट करनी थी इसलिए टाइम नहीं मिला उसको। अब देखते हैं आगे उसका हाल क्या है। और अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, देखते कुछ हम बच्चों को खिलाते हैं। बीबी को अभी तक पेन हो रहा है? बस आई बे बह रही है, रो रो के बुरा हाल हुआ है नुगा। आ जाओ मेरे पास। अभी हम गांधीनगर में ही हैं, और अभी आरू को कुछ खाने के लिए लेके जाएंगे, क्योंकि आरुष गाड़ी में कब से था। तो अब चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं हम। चलो आरी
सो गाइज अभी मैं यहाँ पे आई हूँ बच्चों को लेके खाना खाने के लिए। तो यहाँ का क्या सिस्टम है कि यहाँ पे यही चाइनीज वगैरह मिलता है आइटम, बर्गर, पोटैटो चिप्स वगैरह, तो ये बच्चों को काफी पसंद है। तो मेरा मन था कि जो वैसा कुछ खाएं जो बच्चे पसंद करें, बिकॉज आज तो ट्यूजडे था तो नॉन वेज तो हम खा नहीं सकते थे, तो फिर ऐसी चीज कोई वेज में खाते, बट मम्मी को पसंद नहीं आया यहाँ पे बर्गर वगैरह, तो फिर बच्चों ने यहाँ पे खाया, बच्चों को खिलाया। फिर उसके बाद हम सोच रहे थे कि कहीं और जाते हैं सो दैट कि वहाँ पे मम्मी भी अपनी चॉइस से कुछ खा ले, क्योंकि मम्मी ने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं खाया, जस्ट ये मोहितो वगैरह ही पिया, तो बस उसके बाद बर्गर वगैरह भी नहीं खाया। तो हमें तो यहाँ का बर्गर काफी ज्यादा अच्छा लगता है, हमें तो पसंद होती है ऐसी चीज़ें। बच्चे देखो कितने प्यार से खा रहे हैं, बच्चों को बहुत पसंद है पोटैटो चिप्स वगैरह। तो इसके बाद फिर हम चलेंगे यहाँ एक और गांधीनगर में शॉप है गणपति करके, तो फिर यहाँ पे हम आ गए। यहाँ से मैंने सोचा कि चलो मम्मी को भी हम खिलाएंगे, जो मम्मी यहाँ पे खाएंगे प्रॉपर एक डिनर अगर मम्मी ने करना होगा तो मम्मी कर लेंगे, फिर इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो देखते हैं अब क्या खाते हैं हम यहाँ पे। फाइनली हम लोग जा रहे हैं अब घर। हम गए थे गांधीनगर में कुछ खाना पीना था तो हमने खा लिया, और बस अब फाइनली बच्चों को लेके मैं जा रही हूँ घर। और देख सकते हो रास्ते का कितना अच्छा यहाँ पे व्यू आ रहा है, और ट्रैफिक जाम भी नहीं होता है रात को ना। और देखो जैसा कि आप देख ही रहे हो एना इस वक्त कितनी खुश है, और थोड़ी देर पहले इतना रो रही थी वैक्सीनेशन की वजह से, और अब एकदम फिट फाइन। एनु कोई गाना सुना दो यार, बोलो बोलो बोलो, सुनाओ कोई गाना। हाँ हाँ पापा हैं। आरू पोइम सुना दो आप कोई। आरू तो मस्त है ड्राइविंग में अपनी, देख रहा है व्यू बाहर का, बाहर के नजारे देख रहा है। बोलो आई लव यू आरू, बोलो लव यू आरू। अभी हम लोग पहुंच गए हैं घर पे, तो देखिए बच्चे जो हैं, आरुष को ये रहता है कि बैग उसने बस साथ साथ में रखना होता है, तो आदत सी हो गई है कि जब भी वो निकलता है या तो स्कूल बैग होता है उसको या तो ट्यूशन बैग होता है साथ में। सो देखो कैसे जा रहा है। हम लोग अभी पहुंचे हैं घर पे आना को वैक्सीन वगैरह लगा के। सो आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बिकॉज अभी मैंने बच्चों को आरू को होमवर्क करवाना है, तो इनको सुलाना भी है क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ है। सो गाइज आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग एंड होने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करें, सब्सक्राइब करो। ओके बाय गाइज, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।